नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में, पीएम मोदी ने रोहतक से किया चुनावी शंखनाद, चुनाव से पूर्व हरियाणा को दी कई सौगातें। दिग्गज वकील और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी का निधन, पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख। शिक्षा नगरी में सेवानिवृत्त गुरुजनों का सम्मान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल रहे मौजूद, करीब 2500 शिक्षकों का किया गया सम्मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जैसलमेर दौरे का आज दूसरा दिन, गहलोत ने कनौज माता के किए दर्शन तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोवर्धन कल्ला से पूछी कुशल क्षेम। प्रदेश के एक और सपूत ने दी देश के लिए आहुति, चूरू के राणासर गांव का असलम खान शहीद, पाक की नापाक हरकतों का दिया मुंह तो जवाब, राजकीय सम्मान से किया जाएगा सुपुर्दे खाक। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी जी तोड़ मेहनत में जुटी है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस मिशन की अगुवाई में जुटे हैं। पीएम मोदी ने आज रोहतक से चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतक से हरियाणा विधानसभा चुनाव के अभियान का आगाज किया और एक रैली को भी संबोधित किया। साथ ही चुनावी मौसम में पीएम ने हरियाणा को कई सारी सौगातें भी दी है, जिनमें रोहतक के लिए करीब 500 करोड़ की योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस रैली के लिए रोहतक का चयन इसलिए किया क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि यह वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में चुनाव से पहले ही बीजेपी कांग्रेस को उसके गढ़ में चुनौती देने को तैयार है।